आदेश आदेश आदेश। 7 तारीख को ग्यारस का क्षय है, यानी 8 तारीख को कामिनी एकादशी करनी, 9 तारीख को शिवरात्रि है, उसी दिन गुरु पुष्य नक्षत्र है। 9 तारीख को हुई यूनो के द्वारा घोषित विश्व आदिवासी दिवस है। 11 तारीख को हरियाली अमावस्या, उसी दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण है, मगर भारत में इसको मानना नहीं है। 12 तारीख से प्रतिपदा गुजरात महाराष्ट्र के कई इलाकों महाराष्ट्र में और कई और इलाकों में जहां अमावस्या मासांत माना जाता है, वहां पे श्रावण की शुरुआत। उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस भी है, इंटरनेशनल यूथ डे। श्रावण की बात करें अभी तक समय की और दूसरे त्योहारों के हिसाब से हम बात नहीं कर सके थे, मगर आज बता दूं आपको, आज हम चर्चा करेंगे शिव जी की। शिवोहम बहुत बड़ी बात है। शिव तत्व जिसको लिंग के रूप में पूजा गया है, यानी निरंजन निराकार स्वरूप, कई लोग उसको भोलेनाथ जी बोलते हैं। और शिव की बात सबसे बड़ी चीज उसका पंचाक्षर है, ओम नमः शिवाय, या तो आप मृत्युंजय जप कर सकते हो, दोनों में से कोई भी, ओम त्र्यंबकम् यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धन उर्वारुकमिव बंधन मृत्योय मोक्षीय मामृतात्, या तो मृत्युंजय महादेव त्राहि मम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधने, ये दो में से कोई मंत्र बोल सकते हो। ऐसे तो अग्रादि गौर घोरे भी, ऐसे तो बहुत मंत्र है, मगर ये दो तीन है वो लोगों के मुख पे चढ़ा हुआ और आसानी से हो सके ऐसे मंत्र। इन दिनों में हो सके तो पंचोपचार पूजा षोड़ोपचार पूजा भगवान शिव की करनी चाहिए, और यम नियम और संयम का पालन करना चाहिए। ये अपने जीवन के उत्थान के लिए, ये संयम आपके जीवन में आगे जाके बहुत काम लगता है। अस्तु शुभम भवतु। आदेश आदेश आदेश।